दुनिया के कई देशों में बेमौसम बरसात के बाद आई बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। मिडल ईस्ट से लेकर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर फ्रांस तक बाढ़ से लोग परेशान हैं। नदियां उफान पर हैं और शहर की सड़कें समंदर बन गई हैं। बाढ़ से रेगिस्तान बेहाल है, इंडोनेशिया का बुरा हाल है। ये भारी बारिश से आधी दुनिया पानी पानी हो गई है, बाढ़ से आफत मची हुई है। ये तस्वीरें आधी दुनिया में बाढ़ की पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। दुबई से लेकर इंडोनेशिया तक, फ्रांस से लेकर ओमान तक, हर जगह भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी ही पानी है, गाड़ियां तैर रही हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। दुबई में सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी है। रेगिस्तान में बाढ़ और बारिश से जबरदस्त तबाही मची हुई है। रेगिस्तानी देश में आई इस आसमानी आफत से कैसी मुसीबत आई है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है। सैलाब की वजह से यहाँ सड़कों से लेकर गलियां तक जलमग्न हो गई हैं। अब बात करते हैं यूएई की। आबू धाबी में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से सड़कें समंदर बन गई हैं। सड़कों पर गाड़ियां आधी डूब कर चल रही हैं। आलम यह है कि अल शाम का इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। यूएई का तीसरा सबसे बड़ा शहर शाहजहां भी जलमग्न हो गया है। मस्जिद से लेकर लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के बाद शहर थम सा गया है। ये तस्वीर है मिडिल ईस्ट के ही देश ओमान की। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ही भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश और तेज आंधी के कारण जनजीवन थम सा गया है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। किसी तरह प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मिडिल ईस्ट ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी इन दिनों भारी बाढ़ और बारिश से जूझ रहा है। यहाँ की सबसे लंबी फिट्जरॉय नदी उफान पर है। हमेशा शांत रहने वाली नदी मूसलाधार बारिश से ओवरफ्लो हो गई है। किनारे तोड़कर इसका पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस चुका है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सुपर पावर अमेरिका भी इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। आसमान से बरसती आफत की वजह से यहां लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। हैम्पटन शहर बाढ़ में डूबा हुआ है। घरों के सामने कई फुट पानी भरा हुआ है। बाढ़ में कई घर डूब चुके हैं। यहाँ प्रशासन ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये तस्वीरें इंडोनेशिया की हैं। सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। लोग सड़कों पर बाढ़ की वजह से फंसे हुए हैं। तेज धार में कई गाड़ियां फंसी हैं। तेज बहाव के आगे किसी की नहीं चल रही। लोग जुटे हैं कि किसी तरह तेज बहाव से इन गाड़ियों को बचाया जा सके और इन्हें किनारे पर लाया जा सके। बाढ़ की वजह से इन इलाकों में पुल ध्वस्त हो गए हैं और कई घर बह गए हैं। कई इलाकों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। बाढ़ की वजह से इंडोनेशिया में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बाढ़ से बर्बादी की इस तस्वीर को देखिए। भारी बारिश की वजह से फ्रांस की नदियां भी उफान में हैं और बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया है। नदी के तेज बहाव में पुल तक बह गए हैं। मौसम के जानकार इसे भारी तबाही का संकेत बता रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल।